कल को आपकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी। आप पूछोगे कि गायत्री परिवार की योजना क्या है, तब एक ही योजना, स्वयं भी खुश रहिए और दूसरों को भी। आज जैसा दुखी इंसान इस धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म जो है वो एक ही चीज सिखाता है कि जिंदगी को सुंदर और सुखी कैसे बनाया जाए। आने वाले समय में गुरुदेव ने लिखा है कि जो अध्यात्म से जुड़ा रहेगा उसका जीवन तो सफल दिखेगा। पूजा दूसरा चीज है, पूजा रावण भी करता था, और रावण से बड़ा पुजेरी इस धरती पर ना तो पैदा लिया है ना आगे लेगा। उससे ज्यादा बड़ा पुजेरी इस धरती पर कोई नहीं था। आप हम बहुत खुश होते हैं तो भगवान शिव को क्या चढ़ाते हैं, लोटा लेके फ्री का जल। और रावण जब खुश होता था तो अपना सर चढ़ाता था, तो उससे बड़ा पुजेरी तो शायद मेरे समझ में कोई पैदा नहीं लेगा। पूजा से कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म विशुद्ध यह है कि हमारा एक एक एक्टिविटी हमारे जीवन का हमें प्रभावित कर रहा है कि नहीं। दुनिया को वही सब चीज प्रभावित कर सकता है जो पहले अपने आप को प्रभावित करता है। अगर हमने अपने आप को प्रभावित करना सीख लिया, लोग क्या सोचता है आज के टाइम में, हम किसको प्रभावित कर सकते हैं। हर आदमी किसको प्रभावित करना चाहता है, दूसरे को। हम किसको प्रभावित करना चाहते हैं, आपको नहीं साहब। आप समझ लीजिए पूरी जिंदगी आप खाली रहेंगे। अध्यात्म का मतलब है, सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए, स्वयं को प्रभावित करना। किसको? यह बहुत डिफिकल्ट काम। दूसरे को प्रभावित करना तो एक ठग भी प्रभावित कर लेता है। आपने नाम सुना होगा, भारत का बहुत नामी ठग था। अब आप लोग में से कोई है कि नहीं पता नहीं, नटवरलाल। आज भी लोग कहते हैं अरे उससे बच के रहे ना। क्यों, कौन है वो? नटवरलाल है, तुम्हारे कमरे में आया है, तुमसे क्या ठग के चला जाएगा। और जो नटवरलाल होते हैं वो बोलने में बड़े मीठे होते हैं। जी भैया जी, जब बहुत मीठा कोई बोले, बिना कारण मीठा बोले, उस समय व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि दाल में कुछ काला है, कि पूरी दाल ही काली है, है? अध्यात्म अच्छा इंसान बनाने का विज्ञान है, अच्छे मनुष्य बनने का विज्ञान है। इस धरती पर विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया है, मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, सारा चीज दिया, वाईफाई दिया, जब चाहो दिल की बात कह डालो, कोई जाने कोई ना जाने। लेकिन साहब आप नहीं जान रहे हो, सब चीज दे लिया, एक चीज छीन लिया, मन का सुकून, मन की शांति। जो कुछ मोबाइल के युग के पहले के लोग होंगे, जिस जमाने में मोबाइल नहीं था या वाईफाई नहीं था, रेडियो पे गाना सुन के जो आनंद आता था, कितने लोगों ने सुना है रेडियो पे गाना, क्या बात, मजा आ गया साहब। वो रेडियो पे जो गाना बजता था, बिना का सिवा का बाद में आया ना, रात में भी उस गाने को सुन के जो सुकून मिलता था, अब कहां मोबाइल पर वो सुकून है। अब तो ये मान के बैठे हैं जब चाहो सुन लो, लेकिन उस समय टाइम टेबल होता था, समय होता था, और लोग जिंदगी का आनंद लेते थे। आज तो दुर्दशा है इंसान का। आज जैसा दुखी इंसान इस धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। शादी के पहले लड्डू फूटते रहते हैं, हम लोगों को देख के कई लोग तरसते हैं, मेरा मौका कब आएगा। लेकिन भाई लड्डू आजकल तुरंत फूट भी जा रहा है, लड्डू का स्वाद ज्यादा दिन तक लोग नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि भीतर तो अशांति है, भीतर तो समस्या है साहब। जब तक भीतर को ठीक नहीं करोगे ना, दुनिया में आप बाहर से कभी खुश नहीं रह सकते। सारा चीज आपके घर में जुटा दिया जाए। एक किसी संत का हमने सुना, वो कह रहे थे बेटा आजकल की दुनिया में आपके घर में सारे सुख सुविधा उपलब्ध करा दिए जाएं, सोफा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट,
माइंड अपसेट, सबसेट माइंड अपसेट, रिमोट का चैनल घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या देखना है, कुछ दिख जाए। क्या बात है, जिन्होंने पहले कभी टेलीविजन देखा होगा, शायद उस युग में आपका जन्म था या नहीं था, या आपके घर में टीवी था या नहीं था, पहले टाइम टेबल पर टेलीविजन चलता था, ये कितने लोगों ने देखा है। उस जमाने में सीमित घर में टेलीविजन होता था और सप्ताह में एक या दो, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज इतनी सारी चीज अवेलेबल है, फिर भी व्यक्ति अशांत है। और सप्ताह में एक दिन या दो दिन, शनिवार या रविवार को फिल्म होता दिखाया जाता था शाम में, हम लोग पूरे सप्ताह इंतजार करते थे कि आज शाम में क्या है, फिल्म देखना है। अब 2400 घंटा फिल्म दिखाया जा रहा है, कौन देख रहा है। पाप आदमी इन दिनों न जाने कहां शांति तलाश रहा है, कहां जा रहा है। नहीं साहब, मुझे तो शिक्षक में हो जाता तो हम खुश हो जाते हैं। चलो मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से मिलना चाहता हूं, आप मिलो शिक्षकों से, सारे शिक्षक परेशान हैं, हर लोग परेशान है। जिंदगी का जो सुख है ना, मैं एक बार, यही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से कौन देवी खुश होती हैं, कौन देवता खुश होते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमने व्यक्तिगत अनुभव किया है, व्यक्तिगत, कि गायत्री मंत्र से सबसे ज्यादा जो सही में गायत्री का जप करता है और ध्यान करता है, वो अंदर से हमेशा खुश रहता है। लोग पूछते हैं क्या बात है, आजकल बड़े खिले खिले नजर आ रहे हो। अरे साहब गायत्री जप रहे हैं। नहीं साहब, गायत्री जप रहे हैं। सुबह जगे थे वो, आप जो बोले ना 20 मिनट, मोबाइल में अलार्म लगा ली, यहां दर्द हो जाता है। भगवान करे तुम्हारे पूरे शरीर में दर्द हो जाए, माफ करना, आप बड़े अच्छे लोग हो। हम कभी कभी देखते हैं और सोचते हैं, जींस वाला, टी शर्ट वाला, पैंट वाला, बाल वाला, लंबा बाल, मोटा बाल, तगड़ा बाल, ऊंचा बाल, ये वाला चबूतरा यहाँ ले आया है। अरे चबूतरा पर कपड़ा फिंचने, गांव में पहले चबूतरा बनता था कपड़ा फिंचने के लिए, आए अरे नुकर, माफ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। आप लोगों को कभी कभी मुस्कुराते देखते हैं तो अच्छा लगता है। क्या करें भैया, आगे का जीवन क्या होगा पते नहीं है। अरे वर्तमान जीवन भी तुमको नहीं पता है, इसी के लिए कहा जाता है ना, गायत्री मंत्र ध्यान अनुष्ठान की चर्चा चल रही है। ये अनुष्ठान है किस चिड़िया का नाम है, ये नवरात्र किस चिड़िया का नाम है। साहब नवरात्र तो नाम है दुर्गा जी को खुश करने का। अच्छे, दुर्गा जी दुखी हैं, दुर्गा जी दुखी हो गई। नहीं साहब, दुर्गा कभी दुखी हो ही नहीं सकती। अगर किसी दिन दुर्गा दुखी हो गई ना, आपने नाम सुना होगा कि दुर्गा के साथ एक युवा था, लॉज में रहता था, क्या नाम था उसका, महिषासुर, टाइट जींस, टाइट बेल्ट, टाइट जूता पहन के घूमता था, अपना टीम बनाए हुए था, लफंगा गिरी करते चलता था, जो भी लड़कियां माँ बहनें गुजरती थी उनको छेड़खानी करता था। एक दिन दुर्गा जी को भी वो पहचान नहीं पाया और वो महिषासुर गंगा के किनारे आरती के समय छेड़खानी कर दिया। फिर दुर्गा जी ने क्या किया, बंद कर दिया। दुर्बुद्धि वाले लोगों को आने वाले दिनों में, नोट कर लो, मैं भविष्यवाणी कर रहा, आने वाले दिनों में इतने कष्ट सहने होंगे। इसलिए गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की मंत्र है, भैया पहले जग जा। बड़े बड़े लोग कहां जाएंगे आने वाले समय में पता नहीं, उनका नामो निशान रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे जानकारी नहीं। इसी बिहार में, जिस बिहार में हम आप जन्म लिए हैं, एक से एक बाहुबली एक जमाने में पाए जाते थे, बड़े बड़े जीव जंतु के रूप में बाहुबली। आप कौन बली हैं, लौज बली, चौकी से गिरने वाला बली, कोई औकात नहीं हमको, मोछ दाढ़ी या ये सब अंदर खोसले भैया, बेल्ट दिखावे, हम तो देख देते हैं, लुक्कड़ है एक नंबर का, ये किसी काम का नहीं, लफंगा है, ये चना नहीं बेच सकता है, भैया नहीं बिका चना, चोर गरम। अध्यात्म का मतलब है आदमी के भीतर, जब तक धरती पर रहे कोई कहे शेर था,
आज जिस दिन इस दुनिया से जाए लोग कहे कोई शेर आज चला गया, और नहीं तो कहेगा वो रूम वाला छोरा गीदर था, हुआ हुआ करता था। हैं, आप गीदर बनना चाहते हो कि शेर? शेर आप लोग तो जरूर बनोगे शेर। देखो साहब, शेर बना जा सकता है, ये पावर है, और पावर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। हमें ध्यान से, उपासना से, अनुष्ठान से क्या प्राप्त करना है? कौन सा पावर? पॉजिटिव पावर। पावर तो रावण का जो बेटा था, हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल का नाम नहीं लेंगे, बम बनाता था, बम फेंकता था, रावण का बेटा, क्या नाम था? मेघनाथ। और साहब पूजा भी खूब करता था, हवन भी करता था, लेकिन मेघनाथ का क्या हुआ? इसलिए हमें तो पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए कि कम से कम हम अपने भी खुश रहें, अपने अगल बगल के लोगों को खुश रखें। आप पूछोगे कि गायत्री परिवार की योजना क्या है? साहब एक ही योजना है, स्वयं भी खुश रहिए और दूसरों को भी। आज का लोग स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरे को भी दुखी करता है। सही बताते हैं, आप गए किसी के कमरे में, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, 2 साल से परेशान है। तुम 2 साल से परेशान हो, हम तो 4 साल से परेशान। आपने 2 दिया, 2 उसने अपना वाला भी दिया, लेते जाइए। साहब हर जगह एक ही लोग पाए जाते। अरे भैया इस धरती पर आए हो, समस्या रहेगा, मरते दम तक रहेगा। अगर आप ये कल्पना कर रहे हो ना कि शादी हो गया फिर तो बाइक पर बैठेंगे और जानू को कहेंगे चलो गंगा किनारे, कुछ दिन तो ले जाएगा, नया नया में चांद तारा सितारा सब दिखाता है, पुराने में तो बेचारा अपने देखने लगता है, दूसरे को क्या दिखाएगा भाई। हम गायत्री का मतलब यही मानते हैं कि जिंदगी भगवान ने दिया है जीने के लिए। अरे भाई मेरे, हम सबको रोते देखते, अच्छा किसी के जीवन में सही में कष्ट आ जाए उस क्षण रोता है तो मान सकते हैं कि अच्छा इसके जीवन में कष्ट है, एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता है जिससे भी थोड़ा टटोल दीजिए। मैं एक दिन पटना कमिश्नरी में गया और कमिश्नरी के जो हेड क्लर्क थे उनका सैलरी कम से कम 60-70 हजार रुपया होगा। ये बाईपास के साइड में बड़ा मकान बनाए हुए हैं, कोई देखेगा तो कहेगा अरे क्या बात है, आप कमिश्नरी में इतना पैसा, इतना ऊपरी आमदनी भी कुछ होगा। हम गए उनके पास, उस समय गांधी मैदान बुकिंग कराना था। चर्चा चलाते चलाते कहे बहुत कष्ट में चल रहे हैं, लगता है ग्रह गोचर का प्रकोप हो गया है। अच्छा उस समय हम उनको उपदेश देते कि आपका ग्रह गोचर, हमने कहा आप यज्ञ करवा लीजिए एक बार, तो हमारे ही युवा मंडल के 2 भाई वहाँ उनके घर पर जाके यज्ञ कराए और उस दिन से उनका सब ग्रह गोचर। हमने कहते ध्यान करिए, गायत्री करिए, अरे भीतर से परेशान रहिएगा, 60 हजार रुपया सैलरी नहीं, 60 लाख रुपया भी सैलरी मिलेगा ना तैयो रात में डिस्टर्ब रहिएगा, नींद नहीं आएगा, जिंदगी को जीना भुला गया इंसान। और ये जितना पूजा पाठ है, ये पूजा पाठ भी समस्या बना हुआ है, और बिहार में तो पुजेरियों का कमी नहीं है। कोई काम हो हम लोगों के लिए वो सत्यनारायण जी बैठे मिलते हैं, उनके लिए कोई दिन नहीं है, जब चाहो सत्यनारायण जी को बुला लो। और पंडित जी भी बैठे रहते हैं खैनी खाते हुए जजमान के यहाँ, और वो पंडित जी सत्यनारायण जी में क्या कह के चले जाते हैं हम आज तक समझ नहीं पाए। अर्चनामृत के लिए हम लोग बैठे रहते हैं कि अमृत दे दीजिए, वो अमृत काहे का है? सत्यनारायण व्रत कथा के दिव्य सामर्थ्य, गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, उसको तो हम समझते नहीं है, हम बाहरी चीजों में ही उलझे फंसे। कई लोग नीचे में माता जी लोग, खासकर पुरुष नहीं, बहनों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये भावनाशील होती हैं, संवेदनशील होती हैं, इनके तुलना में भगवान ने आपके भीतर ये प्रचुर मात्रा में शक्ति दिया है, इसका उपयोग नहीं करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गायत्री माता के यहाँ जाके ऐसे दिया लेके खड़े हैं, अरे कपड़ा जल जाएगा, दूसरे का जल जाएगा, उनके पास इतना रोशनी है, सूर्य भगवान उन्हीं का है, आप काहे उनको उतना दिया दिखा रहे हैं? अरे भाव प्रधान है, आप अपनी भावना को शुद्ध कीजिए, प्योर कीजिए, बेहतर करिए, दीपक जला के करिए, उपासना करके करिए, यह सबसे बड़ा साइंस है। और इसी के लिए आपको युवा मंडल में बोला। आपको एक बात और बता देते,
टेंशन में कभी भी अपनी तैयारी आप बेहतर नहीं कर सकते, कभी नहीं। जितना खुश रहिएगा या और दूसरा कोई आपको खुश कर नहीं सकता है, आपको अपनी खुशी के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना हो। यह गुरुदेव ने किताब लिखा है हंसी खुशी का जीवन। इन दिनों चारों तरफ, आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था अभी सुबह में जागरण में, देखिए इंसान कैसा हो रहा है भाई, हम लोगों की जवाबदेही बढ़ रही है। आज मानवता समाप्त हो रहा है, इतराई इतराई कर रहा है, रावण से भी ज्यादा हालत खराब है। और रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो कम से कम सुरक्षित रखा। आज मैं सुबह में पेपर पढ़ रहा था दैनिक जागरण, दैनिक जागरण में एक शिक्षक दंपत्ति ने, शिक्षक सोची समाज का कितना बड़ा रास्ता दिखाने वाला होता है, एक 5 साल की बच्ची को गोद लिया, किसी संस्था से गोद लिया बच्ची को अपनी बेटी बनाने के लिए, और उस बच्ची को अपने घर पे लाके क्या है उससे काम कराने लगा। और बच्ची को पूरा दागता था, पूरा जला दिया। और मैंने अभी सुबह सुबह न्यूज, मेरा तो मूड ऑफ हो गया कि हे भगवान, इस संसार में इतने गए गुजरे लोग रह रहे हैं, इतने गिरे हुए लोग रह रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं साहब हमारा तो डेवलपमेंट हो रहा है, हम पुल बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं। किस काम का पुल और पुलिया भैया, जब मानवता ही नहीं बचेगी तो आप किस पुल पर चलोगे, कौन सी पुलिया पर चलोगे, कहीं सुरक्षित रहोगे? आप अभी कल्पना करो, कल को आपकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, किस दुनिया में रहोगे? चंद्रमा पर जाके रहोगे कि रहोगे यहीं? इसको कौन ठीक करेगा? इसी को ठीक करने का काम गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। ये कठिन काम है लेकिन इसका लाभ दिखने लगा है, इसका प्रभाव आज समाज में दिखने लगा है कि गायत्री परिवार जो काम कर रहा है, आने वाले समय में इतिहास साक्षी है होगा कि लोग इसे पढ़ेंगे कि जब पूरी दुनिया नकारात्मक ऊर्जा में जी रहा था, उस समय कुछ मुट्ठी भर नौजवानों ने संकल्प लिया कि हम जमाना को अच्छा बनाएंगे, और लाखों युवाओं को दिशा देने का काम किया। ये युवा प्रकोष्ठ ये काम कर रहा है, ये सामान्य घटना नहीं है। देखो भावना का अपना महत्व है, भगवान कर्मकांडों से उसे कोई लेना देना? कर्मकांड तो हम इसलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं विकसित हो, लेकिन व्यक्ति सिर्फ कर्मकांड में उलझा रहता है, कर्मकांड से भगवान को कोई लेना देना नहीं। आप चावल छिड़कते हो कि फूल चढ़ाते हो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान तो हमारे भाव को देखता है, और उपासना का मतलब है अपनी भावना को शुद्ध करना, प्योर बनाना। क्योंकि दुख किससे होता है? भावनाओं से। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको दुख हो गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको पिंच कर गया। क्यों? क्योंकि आप इंसान हो। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना है, एक बार कहीं प्रवचन दे रहे थे और एक युवक बीच में खड़ा हो गया, युवा तो युवा होता है, कहा महात्मा जी एक बात पूछना है, आपने कहा है। वो दयानंद सरस्वती भी किस कौन से मंत्र के उपासक थे? गायत्री मंत्र के उपासक थे। तो दयानंद सरस्वती को उस लड़के ने कहा कि महाराज जी आपने कहा कि शब्दों का प्रभाव ब्रह्मांड में पड़ता है और व्यक्ति पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा बिल्कुल पड़ता है। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज जी ये नहीं हो सकता है। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा चुप बेवकूफ बैठ। अब पूरी सभा में उस लड़के को बेवकूफ कह दिया गया। वो लड़का को बड़ा ये हुआ, गलानी हुआ कि सारे लोगों के सामने ये संत महाशय ने हमको क्या कह दिया। जब सारी भीड़ छट गई तो लड़का गया स्वामी जी के पास और कहा कि स्वामी जी आप जैसे संत, आप जैसे लोग, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे गाली दे दिया। स्वामी जी ने पूछा क्या कहा मैंने? आपने मुझे सारे लोगों के सामने बेवकूफ कह दिया। स्वामी जी ने कहा मैंने तो शब्द ही कहा ना। तूने कहा शब्द का प्रभाव ही नहीं पड़ता है तो तेरे ऊपर कैसे पड़ गया भाई? शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है। और कई आज तो इस पर साउंड एनर्जी पर जापान ने रिसर्च कर दिया है कि आप जो बोलते हो वो 40 दिन के बाद रिटर्न होके आपने किसी को गाली दिया। 40 दिन के बाद कहां आया? आप ठीक ठाक थे, टेंशन में आ गए, क्रिया का प्रतिक्रिया द ये पड़ता है। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत क्या है? ये है अध्यात्म। भारत का जो अध्यात्म था इतना साइंटिफिक था, इतना वैज्ञानिक था, जिसको तोड़ तार के हम लोग क्या किए, क्या बना दिए? पूजा कीर्तन। गांव में अष्टजाम होता है, होता है देखें, और अष्टजाम में लोग गांजा पीता है। आप देखिए साहब,
युवा को तो ऐसा युवा बनना चाहिए जिसको आइकॉन कहा जा सके, जिसके चेहरे को देखा जाए तो कहा जाए आज मेरा जतरा बन गया। आप लोगों को अगर सही में सुबह सुबह कोई देख लेना, बुरा ना लगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आज मेरा जतरा बिगड़ गया था, कहां से लुच्चा को देख लिए। हालांकि आप लोग तो अच्छे हो देखने से, ये ऐसा चे काला गोरा उजला पीला हरियर चेहरा से कोई लेना देना नहीं, आपके चेहरे पर एक रौनक होना चाहिए। उपासना का मतलब समझो, नहीं करोगे आने वाले समय में संकटों का अंबार आने वाला है, इतनी समस्याएं आएंगी कि आपको लगेगा कि हम कट्टा उठा के गोली मारें, और गोली मार दोगे तो क्या हो, फिर बेउर जेल आपके लिए खाली पड़ा है। इसलिए समझदारी से चलो। और गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा काम हमने अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा काम व्यक्ति के जीवन में क्या करता है, क्या बना देता है, गायत्री मंत्र जपने वाले का समझदार बना देता है। वो इतना बड़ा समझदार हो जाता है कि उसके समझ में आने लगता है कि कब किधर चलना है, किससे कैसे बात करना है, अगर मूर्ख व्यक्ति है तो उससे कैसे बात करना है, समझदार है तो उससे जो बीच वाला है उससे कैसे बात करना है। बीच वाला से भी पाला पड़ता है, थोड़ा समझदार भी है थोड़ा मूर्ख भी है, थोड़ा नर भी है थोड़ा ये भी है, तो दोनों के बीच वाला से भी पाला पड़ता है। तो ये चीज गायत्री मंत्र समझा देता है। इसमें कितने लोग यहां बैठे हुए आपको मैं बताता हूं, जिस नाव पर आप बैठे हो गुरुदेव माता जी के नाव पर, ये नाव आपको डूबने नहीं देगा, ये विश्वास रखना, डूबेगी कभी भी तो आपकी अपनी करनी से आप डूबोगे। आप अध्यात्म का मतलब खाली पूजा पाठ नहीं है रे भाई, पढ़ाई कैरियर, मैं कितने आपको कितने लोग मिलते होंगे, मुझे तो आईएएस आईपीएस मंत्री नेता विधायक सिपाही सिपाहिनी सब मिलता है। आजकल सिपाहीन में भी भर्ती हो रहा है, हाँ बंदूक लेके बेचारी सब चलते रहती है, कभी कभी हमको डर लगता है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ, लेकिन ट्रेनिंग दे देता है ठीक ठाक। चलो साहब ठीक, तो देखो आने वाला समय विशुद्ध अध्यात्म का है, इसलिए आप सब लोग गायत्री मंत्र जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।